नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग के गैलेक्सी स्मार्टफोन जो होते हैं दोस्तों, उनमें आपको एप्लीकेशन के लॉक देखने को नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि वीवो के और दोस्तों एमआई के जो फ़ोन होते हैं, उनमें आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ऐप लॉक लगा सकते हो। दोस्तों फ़ोन के साथ में आता है ऐप लॉक, पर दोस्तों सैमसंग के फ़ोन होते हैं उनमें आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है प्ले स्टोर से, जो कि दोस्तों काफ़ी सिक्योर नहीं होती। वो कभी भी दोस्तों बिना लॉक के ही एप्लीकेशन खुल जाती है, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट नहीं होती। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सैमसंग के स्मार्टफोन में ऐप लॉक बताऊंगा कि कैसे आप अपने सैमसंग के स्मार्टफोन में, चाहे दोस्तों कोई सा ही मॉडल हो, चाहे ए सीरीज का हो, एम सीरीज का हो, एफ सीरीज का हो, अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी डिवाइस है और आप उसमें किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ऐप लॉक लगाना चाहते हो, तो आप कैसे लगा सकते हो। जो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर ही एक सेटिंग दी जाती है, जिसे आप ओपन करके ऑन करके अपने किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ऐप लॉक लगा सकते हो। क्योंकि दोस्तों ऐप लॉक होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया आज के टाइम में। आपने देखा होगा कि हमारे काफ़ी सारी ऐसी फाइल होती हैं, काफ़ी सारे डाटा होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं दोस्तों जो हमारे लिए काफ़ी सिक्योर होती हैं, जो दोस्तों हम नहीं चाहते कि कोई और उसे ओपन कर सके। क्योंकि दोस्तों हमारी कुछ बैंक डिटेल होती हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कोई और ओपन करे। तो ऐसे में दोस्तों हमें जरूरत पड़ती है ऐप लॉक की, क्योंकि हम अपने फ़ोन को लॉक लगाएंगे तो फ़ोन को दोस्तों बार बार हमें यूज़ करना पड़ता है, किसी को देना ही पड़ता है कॉल वॉल के लिए। तो ऐसे में दोस्तों हम उसी एप्लीकेशन पर लॉक लगा सकते हैं जिसकी दोस्तों हमें सिक्योर रखना है। तो ऐसे में दोस्तों हमें जरूरत पड़ती है ऐप लॉक की। तो कैसे आप उसे ऐप लॉक लगा सकते हो उस एप्लीकेशन के ऊपर, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ एकदम लाइव। तो दोस्तों ये मैं समझना कि जो स्मार्टफोन में आपको दिखाने वाला हूँ, जिस स्मार्टफोन में मैं आपको ऐप लॉक दिखाऊंगा, तो आप भी उसी में लगा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास कोई सा भी स्मार्टफोन हो, अगर वो सैमसंग का है तो सेम प्रोसेस है, आप किसी भी फ़ोन में लगा सकते हो सैमसंग के डिवाइस में। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्क्रीन मार करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि कैसे आप अपने फ़ोन में ऐप लॉक लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल लेना है और आपको अपने मोबाइल में दोस्तों ओपन करना है, देखिए गैलेक्सी स्टोर। दोस्तों ये सैमसंग खुद की एप्लीकेशन होती है दोस्तों, ये प्ले स्टोर की तरह नहीं होती। इसमें आपको सिर्फ वही ज़्यादा एप्लीकेशन मिलती हैं जो सैमसंग खुद की होती हैं। तो आपको इसे ओपन करना है। जब दोस्तों आप इसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है एस सिक्योर और आपको सर्च कर देना है। जब आप सर्च करोगे तो इस तरह से दोस्तों देखिए कुछ इंटरफेस आएंगे, एप्लीकेशन आएंगी। तो सबसे ऊपर दोस्तों जो एप्लीकेशन है दोस्तों मेरे में पहले से डाउनलोड है, तो दोस्तों देख सकते हो सैमसंग खुद की है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड। क्योंकि दोस्तों सैमसंग की जो एप्लीकेशन होती हैं उस पर दोस्तों यही लिखा हुआ होता है, चाहे दोस्तों कोई सी भी एप्लीकेशन हो, ये सैमसंग की खुद की एप्लीकेशन है। तो आप जब इसे डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, तो इस तरह से दोस्तों आपके सामने ये खुल के आएगी, ओपन होकर आएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रही मेरे में। जब आप इसे ओपन करोगे तो इस तरह से आएगी। दोस्तों मैंने इसमें कुछ एप्लीकेशन पे लॉक पहले से लगा रखे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरे में लॉक लगा हुआ है, देखिए मैं आप पे लॉक दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने इसमें लॉक लगाया है पैटर्न वाला, आप इसमें कोई सा भी लॉक लगा सकते हो। देखिए पैटर्न लगा सकते हो, पिन लगा सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो, फेस आईडी से भी ऑन कर सकते हो, फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेट है तो आप एप्लीकेशन को उस लॉक से भी, फिंगरप्रिंट से भी या फेस से भी ऑन कर सकते हो, यानी कि उससे अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों देखिए मेरे में चार एप्लीकेशन पर लॉक लगा हुआ है, अब मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ, कैसे लगा सकते हो। दोस्तों देखिए ये मेरे में चार पाँच एप्लीकेशन पर लॉक लगा हुआ है। अगर आपको ऐसे और लगाना है या फिर आपको नई एप्लीकेशन पर लगाना है पहली बार, तो आपको करना है इस पर आना है एट पर जाने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में जितनी एप्लीकेशन होंगी सारी आ जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको सामने देखिए मैं फ्लिपकार्ट पर लगा दिखा दूँगा या फेसबुक पर लगा दिखा दूँगा, आपको ये सिलेक्ट करना है यहाँ से और डन कर देना है। जब आप फिर डन कर दोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लगा हुआ आ रहा है फेसबुक लॉक्ड। अब आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद आपको देखिए फेसबुक में ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर फेसबुक के ऊपर दोस्तों ये लॉक बना हुआ आ रहा है, आप देख सकते हो देखिए। और जब आप इसे ऑन करोगे तो आपके मोबाइल पर जो आपका लॉक मांगेगा, जो भी आपने लगाया होगा, चाहे पैटर्न हो, पिन हो, जो भी हो। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैंने इस पर पैटर्न लगाया हुआ है, तो पैटर्न मांग रहा है। जब आप इसे
अनलॉक करोगे उस पासवर्ड को डाल के, उसी के बाद दोस्तों ये अनलॉक होगा। तो आप इस तरीके से अपने इस फ़ोन में, चाहे वो दोस्तों कोई सा भी फ़ोन हो, जो मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी F41 है, आपके पास सैमसंग का कोई सा भी डिवाइस हो, चाहे वो ए सीरीज का हो, एम सीरीज का हो, एस सीरीज का हो, या दोस्तों कोई सा भी सीरीज का फ़ोन हो, आप उसमें इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके गैलेक्सी स्टोर से और इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर को मुश्किल मिलती है, ये आपको गैलेक्सी स्टोर में ही मिल सकती है। प्ले स्टोर को दोस्तों कन्फर्म नहीं है मिलती भी या नहीं मिलती, बट आपको ये गैलेक्सी स्टोर से मिल जाएगी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको कभी धोखा नहीं देगी कि ये कभी किसी भी एप्लीकेशन को बिना पासवर्ड के ऑन कर देगी। आपने देखा होगा दोस्तों काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी, जो दोस्तों हम उस एप्लीकेशन में अपने ऐप पर लॉक लगा देते हैं, बट बाद में क्या होता है कभी कभी वो एप्लीकेशन दोस्तों बिना लॉक के खुल जाती हैं। बट दोस्तों इस केसेस में इस एप्लीकेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी सिक्योर है, आप इसमें भरोसा कर सकते हो और अपनी एप्लीकेशन को उस पर ऐप लॉक लगा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आप अपने सैमसंग के किसी भी डिवाइस में कैसे अपने एप्लीकेशन के ऊपर ऐप लॉक लगा सकते हो एकदम सिक्योर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।